क्या आप जानते हैं एट द ऑर्डर ऑफ, इन द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ और ऑन द ऑर्डर ऑफ को कैसे इस्तेमाल करना है? ये एक ऐसा टॉपिक है जहां अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। एट द ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है के हुक्म पर या के आदेश पर। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो यह रूट चेयरमैन के आदेश पर बना या यह रूट चेयरमैन के हुक्म पर बना, तो चाहे आप कहें हुक्म पर या आदेश पर, आप कहेंगे एट द ऑर्डर ऑफ। जैसे दिस रूट वॉज मेड एट द ऑर्डर ऑफ द चेयरमैन, यानी चेयरमैन के आदेश पर या चेयरमैन के हुक्म पर ये रूट बनी। यह वीडियो एक व्यूअर के हुक्म पर बनी या आदेश पर बनी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस वीडियो वॉज मेड एट द ऑर्डर ऑफ अ व्यूअर। अगर आपको कहना हो कि ताजमहल शाहजहां के हुक्म पर बनी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द ताजमहल वॉज मेड एट द ऑर्डर ऑफ शाहजहां। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि एट द ऑर्डर ऑफ क्या है। आइए अब सीखे कि इन द ऑर्डर ऑफ क्या है, ऑन द ऑर्डर ऑफ क्या है और ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या है। यह मैं आपको बता दूं कि इन तीनों का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग। जैसे जहां आप अप्रोक्सीमेटली का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आपको अपने सेंटेंसेस में बोलना हो लगभग, तो आप इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आपको कहना हो उसकी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द स्पीड ऑफ हिज कार इज इन ऑर्डर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैंने बोला इन द ऑर्डर ऑफ। अगर आप चाहें तो इन द ऑर्डर ऑफ के जगह पर ऑन द ऑर्डर ऑफ या ऑफ द ऑर्डर ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी का एक ही मीनिंग होता है, जो है लगभग। मैं इसके लिए लगभग $100 खर्च करने जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ $100 फॉर दिस, यानी मैं इसके लिए लगभग $100 खर्च करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने बोला ऑन द ऑर्डर ऑफ, जिसका मतलब हुआ लगभग। आप चाहे तो कह सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों वर्ड शानदार तरीके से समझ में आया कि इन तीनों का इस्तेमाल आप अप्रोक्सीमेटली की जगह पर करते हैं, यानी जहाँ जहाँ आपको कहना होता है लगभग, वहाँ आप इन तीनों में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। वही बात अगर हम एट द ऑर्डर ऑफ की करें, तो एट द ऑर्डर ऑफ उनसे अलग है और इसका मतलब होता है के हुक्म पर या के आदेश पर। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर 4 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? 4 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।